नमस्ते, सुस्वागतम सुस्वागतम। मोर सिंपल भाषा में वेलकम बैक टू दिवालॉग। अगर आप लोग यहाँ नए हो और आपको नहीं पता है दिवालॉग क्या है, तो बहुत चंद शब्दों में आपको समझा देती हूँ। दिवालॉग बेसिकली दशहरे से लेके दिवाली तक एक वीडियो सीरीज है, जहाँ मैं हर रोज एक नई वीडियो डालती हूँ। जनरली ऐसी वीडियोज लाइक व्लॉग्स होते हैं ज्यादातर, पर क्योंकि मैं अपनी पर्सनल लाइफ इतनी शेयर नहीं करती, तो मैं डिफरेंट कॉन्सेप्ट पे वीडियोज डालने की कोशिश करती हूँ। जिससे मुझे याद आया, अगर आपकी इस दिवालॉग के लिए कोई भी रिक्वेस्ट है तो नीचे कमेंट करिए, मुझे बताइए। मैं पूरी कोशिश करूँगी मैं कर पाऊँ, पर प्रॉमिस नहीं कर सकती, क्योंकि ऑनेस्टली मुझे बहुत सारी अलग अलग रिक्वेस्ट आती हैं और बहुत सी रिक्वेस्ट ऐसी होती हैं जो एक अलग वीडियो नहीं डिजर्व करती। मैं बहुत बार उनके बारे में अलग अलग वीडियोस में बात करती हूँ बीच बीच में, और फिर बहुत से लोगों को पता नहीं चलता कि वो वीडियो नहीं देखी हुई होती है। और हर चीज़ ना एक पाइपलाइन में जाती है। जैसे अगर आपने मुझे आज बोला कि एक ये वीडियो कर दो प्लीज़, और मैं ऑलरेडी 5 वीडियोस करने वाली हूँ, तो मैं वो वीडियो छठे नंबर पर डालूंगी। मैं वो जब तक ऑफकोर्स कोई नया लॉन्च नहीं है या कोई इंस्पायर्ड लुक नहीं है जो मतलब बहुत प्रायोरिटी पर करना है क्योंकि व्यूज चाहिए, तब तक बात अलग हो जाती है। पर जनरली वो एक पाइपलाइन में चले जाते हैं, और मैं ऑलरेडी मतलब महीनों महीनों पहले प्लान करती हूँ कि भाई मुझे अब क्या करना है, क्या करना है। जैसे मैं दिवालॉग के बारे में मेरे ख्याल से 2 महीनों से सोच रही हूँ, जो बहुत क्रेजी है। और सोचने के बाद भी मेरे को बहुत आइडियाज़, मतलब बहुत सारे आइडियाज़ नहीं है मेरे पास, जो मुझे पता भी नहीं कैसे होता है। और मैं भूल गई बिल्कुल, सबसे पहले आप सब लोगों को दशहरे की शुभकामनाएं। आज दशहरा ही है, मैं सुबह उठ के रिकॉर्ड कर रही हूँ कि जिससे मैं दशहरे की ऑथेंटिक फील में रह पाऊँ। तो हाँ, हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू। आई होप कि आपके लिए दशहरा बहुत प्रॉस्परस हो, आपकी लाइफ में आपके अंदर जितनी बुराइयां हैं वो सब खत्म हो जाएं, सिर्फ अच्छाई अच्छाई हो, गुड वाइब्स ओनली, गुड वाइब्स ओनली। और मुझे पता है बहुत से लोग इस वीडियो पर फिर लिखेंगे ओवर एक्टर, बट मैं ऐसी हूँ यार, मैं क्या करूँ, मैं हूँ ही ऐसी, कुछ नहीं कर सकते उस बारे में। और हाँ, मैं ये भी बताना भूल गई कि दिवालॉग के दौरान मैं ट्राई करती हूँ कि मेरी पहली वीडियो, मेरी एंड की वीडियो एक हिंदी व्लॉग हो, तभी आप मुझे मेरे देसी अवतार में देख रहे हैं और हिंदी में बात करते हुए सुन रहे हैं। ऑफ कोर्स आई डू हाउ एवर अंडरस्टैंड दैट नॉट अ लॉट ऑफ पीपल अंडरस्टैंड हिंदी, सो आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू कंप्लीट द सबटाइटल्स एज क्विकली एज आई कैन, सो दैट यू गाइस कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग थ्रू इन द वीडियो। ऑनेस्टली बताऊँ तो मैंने सोचा था कि मैं एक लाइफ अपडेट करूंगी, पर मेरे पास ना जेन्युइनली कुछ है नहीं अपडेट करने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ हो गई, आपका लव लाइफ हो गई, करियर हो गई, या कुछ भी हो गई, रोलर कोस्टर की तरह है, वो ऊपर जाता है फिर वो नीचे जाता है। जब वो ऊपर जाता है ना, सबको बहुत मजे आते हैं, पर जब वो नीचे जा रहा होता है ना, हम सब सोचते हैं ओ शिट अब क्या। हम ये भूल जाते हैं कि वो नीचे जा रहा है तो वापस ऊपर भी तो जाएगा हम, लेकिन सिर्फ उस वक्त उस फॉल पे ही अटके हुए रहते हैं और आगे कुछ सोच नहीं पाते, ये नहीं सोच पाते कि जब ऊपर जाएंगे तब क्या करेंगे। तो मेरे साथ ना कुछ ऐसा ही हो रहा है कि मेरे लिए ना अभी वो नीचे वाला पीरियड चल रहा है, जब मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ अच्छे आइडियाज नहीं सोच पा रही हूँ, मेरी वीडियोस बेकार हैं और मैं कंसिस्टेंट नहीं हो पा रही हूँ। और मुझे नॉन कंसिस्टेंसी ज़्यादा कुछ मतलब इतनी हेट है मुझे नॉन कंसिस्टेंसी से। मैं यूट्यूब पर कंसिस्टेंट नहीं हूँ, इंस्टाग्राम पर नहीं हूँ, और मुझे देख के अपने आप से इतनी बार चिड़ मचती है कि श्रेया क्या कर रही हो तुम। पर कभी कभी होता है ना कि आपको लगता है हर चीज़ से अपने आप को डिटैच कर लो, और बस पता नहीं एक अजीब से फेज में हूँ या थी मैं अपने लाइफ के, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, कि जहाँ मुझे लग रहा था कि मेरे को इस वक्त कुछ नहीं करना सिवाय मेरे को बस अकेले रहना है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं सैड हूँ, प्लीज़ आप ऐसा मत सोचिएगा कि मैं उदास हूँ या मैं सैड हूँ या कुछ भी। मैं अपने आप को ऑनेस्टली बहुत # ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मैं वो कर सकती हूँ जो चीज़ से मुझे प्यार है, मतलब वो मेरा पैशन है, और मैं उसके कारण बहुत अच्छा फील करती हूँ। मतलब आता है यार ऐसा टाइम लाइफ में कि आपको लगता है कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्यों कर रही हूँ, अपनी लगता है मुझे कुछ और करना चाहिए था। जैसे मुझे आज के डेट में लग रहा था कि मुझे और पढ़ाई करनी चाहिए, मैं कहीं कुछ नए कोर्सेज देखती हूँ, कुछ करती हूँ। होता है ऐसा कि आपको एकदम से लगता है कि आप रियलाइज़ करते हो कि मे बी जो जो आप लाइफ में कर सकते थे आप वो नहीं कर रहे हो और आपको और कुछ करना चाहिए। जैसे कल परसों ही मैंने अपनी मम्मी को कहा कि मम्मी मुझे म्यूज़िक सीखना है। फनी स्टोरी, मैंने कभी ट्रेनिंग नहीं ली है म्यूज़िक की। जब मैं 16 साल की थी मैं गई थी एक जगह पे म्यूज़िक सीखने के लिए, तो उन्होंने कहा हम टेस्ट करते हैं आपका कि आप गा सकते भी हो कि नहीं। तो वहाँ पे बैठे उन्होंने बोला मुझे कि कोई गाना गाओ, और मैं 16 साल की थी, तो मतलब मैं 11th में थी, 2011 के आसपास की बात है। हाँ, तो उन्होंने बोला गाना गाओ, और मेरे को कोई गाना याद ही ना आए। सारे गाने याद आए शीला की जवानी, मुन्नी बदनाम हुई, ऐसे टाइप के। और मैं गई हूँ इंडियन क्लासिकल सीखने के लिए, क्योंकि मुझे क्लासिकल फॉर्म से ज़्यादा प्यार है, जैसे डांस फॉर्म में भी मैंने कथक सीखा। तो अब मैं वहाँ बैठी हुई और मुझे सारे ऐसे गाने आए, शीला की जवानी, मुन्नी बदनाम हुई। मैंने कौन सा गाना गाया, सूरज हुआ मध्यम, मतलब
वो मूवी 10 साल पुरानी, मतलब किसी को लेना देना नहीं उस गाने से। और मैं सूरज हुआ मध्यम चांद जलने लगा आसमाई है क्यों पिघलने लगा, मैं ठहरी रही जमीन चलने लगी धड़काई दिल सांस थमने लगी। मतलब आपका टेस्ट लेते हैं आपको सिखाने से पहले कि आप सीख सकते भी हो कि नहीं हो। तो मैं उस टेस्ट में पास हो गई थैंकफुली। तो उसके बाद जो वहाँ की हेड थी वो मुझसे पूछते कि हम आपको क्यों ले, हमारे यहाँ तो बच्चियाँ 3-4 साल से आ जाती हैं, वो तब से रियाज करती हैं और ये वो। मैंने कहा वो आई हैं अपने माँ बाप की वजह से, मैं आई हूँ अपनी चॉइस की वजह से। एनीवे वो वर्कआउट नहीं हुआ, मैं वो नहीं कर पाई तब, क्योंकि तब मेरे ऑनेस्टली प्लेट में बहुत कुछ था। 11th में होने के साथ साथ मैं यूट्यूब भी कर रही थी साइड बाय साइड, जो तब मेरे ख्याल से मैंने अपने माँ बाप को नहीं बता रखा था। और ऑफकोर्स स्कूल था ही, बाकी सब चीज़ें थी, मेरे दादाजी हैड पास्ड अवे, मैं इसीलिए एक्चुअली गई थी कि मेरे को डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो ये सब कुछ था, तब वो नहीं हो पाया। तो मैं भी थोड़े दिन पहले अपनी मम्मी को बोल रही थी, मम्मी मुझे म्यूज़िक सीखना है, मैं थोड़ा लेट तो नहीं हो गया आप सीखने के लिए? तो मैं मॉम वाज लाइक हाँ अब थोड़ा सा लेट हो गया है। अगर आपको मेरी उम्र नहीं पता तो मैं जनवरी में 23 साल की हुई हूँ। आई नो बहुत से लोग कहते हैं कि आप 23 साल के लगते हैं, आप बड़े लगते हो, कुछ कहते हैं आप छोटे लगते हो। मुझसे बहुत जगह मेरी आईडी मांगी गई है, स्पेशली मूवी थिएटर में 2-3 बारी, तो थोड़ा एम्बैरसिंग हो जाता है। तो बहुत अपोजिट रिएक्शन है लोगों के, और मुझे ऐसा लगता है कि यार क्या फ़र्क पड़ रहा है कि आप कितने के दिखते हो कितने के नहीं दिखते हो, या कितने के हो, उससे भी क्या फ़र्क पड़ता है। बहुत से लोगों का बेबी फेस होता है, जैसे बिली बाउडन जो क्रिकेट एम्पायर है उनका बेबी फेस है, तो इतने बड़े होकर भी बच्चे जैसे ही लगते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर मेरे मैच्योर फीचर्स हैं भी तो यार मेरे को इन्हीं के साथ जीना है, मैं कुछ कर नहीं सकती इस चेहरे का। और बहुत बार होता है कि मेकअप लगा के आप बड़े लगते हो, या जो आपने पहना होता है उससे आप बड़े लगते हो। जैसे आपने कोई साड़ी या लहंगा पहना हो तो ऑब्वियसली आप थोड़े से ज़्यादा मैच्योर लगते हो, आपने कोई फ्रॉक पहन रखी हो तो थोड़े से बच्चे लगते हो। तो मुझे लगता है ये बहुत यूजलेस बातें हैं। पर हाँ, मैं जनवरी में 23 साल की हो गई थी, और अब मैं जो आने वाला जनवरी है 26 जनवरी को 24 साल की हो जाऊँगी। जो सोच के मुझे ना पसीने छूट जाते हैं। इट्स नॉट लाइक कि मुझे बड़े नहीं होना है, मुझे छोटे रहना था या कुछ भी, पर ऐसा होता है ना कि अपेरेंटली एज के साथ साथ लोग कहते हैं कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ बढ़नी चाहिए आइडियली। और ये वो लड़की कह रही है जिसका रूम आज तक उसकी मम्मी साफ करती है। लाइक आज भी लिटरली मेरी मम्मी ने मेरा बेड साफ किया, क्योंकि मेरे बेड पे इतना सामान था। लाइक तुम सोगी कहाँ? मैंने कहा मैं कर लूँगी चीज़, लाइक तुम रहने दो, तुमसे ना हो पाएगा। तो उन्होंने सारा साफ किया। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की तो चीज़ ढेले भर की हमें है ही नहीं, मतलब है ही नहीं। पर हाँ, ये कुछ बातें, मतलब पता नहीं मैं कहाँ से कहाँ पहुँच जाती हूँ टॉपिक पे। कभी कभार तो मुझे भी समझ नहीं आता कि इतनी जल्दी मैं कैसे स्किप कर लेती हूँ। ये कुछ चीज़ें चल रही थी पीछे, फिर मैंने अभी अठाइयाँ करी थी। जैसे नवरात्रे होते हैं वैसे ही जैनियों में 28 और 10 लक्ष्मियाँ होती हैं, डिपेंडिंग अपॉन कौन से जैनी हो। मैं 28 वाली जैनी हूँ, श्वेतांबर दैट इज। तो हमारे यहाँ 8 दिन के फास्ट होते हैं, लेकिन सैडली हम उन फास्ट में ना आलू की टिक्की खा सकते हैं ना फल खा सकते हैं। तो जो सिर्फ 28 का वैसे ही नॉर्मल रखते हैं तो वो लोग कोई भी रूट वेजिटेबल नहीं खा सकते और ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं, मतलब एनी फ्रेश प्रोड्यूस आप वो नहीं खा सकते हो। पर मैंने जो है वो व्रत वाला व्रत रखा था, तो उसके अंदर आपको सिर्फ बॉइल्ड पानी पीना होता है, और वो भी आप सुबह 10 बजे टाइप्स के बाद और शाम के 6 बजे तक पी, मतलब सनसेट तक पी सकते हो। तो मैंने वो रखा था, तो 8 दिन मैंने कुछ खाना नहीं खाया, सिर्फ मैं पानी पे थी। और somehow मुझे डिफ़िकल्ट नहीं लगा। बहुत से लोग बाहर भी वाटर फास्ट करते हैं और ये बहुत साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ थी। बहुत से लोग कहते हैं कि आप स्टार फ्यू करो अपने आप को, पर अगर आप साइंस की तरह से चलो, आप सबको साइंटिफिकली देखो, तो ये आपकी बॉडी के लिए एक रेस्टिंग पीरियड भी होता है कि ठीक है, अब मुझे जब खाना डाइजेस्ट नहीं करना तो मेरे को ब्लड जो सर्कुलेट करना है मैं वो और जगह भी दे सकता हूँ देखने के लिए कि कहाँ कहाँ नीड है, कहाँ सेल्स रिजेनरेट होने हैं, ये वो। मतलब बहुत ज़्यादा साइंटिफिक हो गया, पर मैं जस्ट बता रही हूँ कि साइंटिफिक बैकिंग भी है इसके पीछे, कि सिर्फ स्टार्वेशन नहीं है। मैंने वो किया, बहुत अच्छा लगा मुझे करके। और क्या हुआ मेरी लाइफ में? ओ हाँ, मैं अभी रिसेंटली कोटा गई थी घूमने फिरने के लिए, और बहुत से लोगों ने पूछा कि कोटा कैसे, कुछ काम से कैसे। तो मेरी बुआ एक्चुअली रियल बुआ कोटा में रहती हैं, और मैं गई हूँ वहाँ पे पहले भी। तो हाँ, मैं इसलिए कोटा गई थी, और मैं इतनी सारी जगह घूमी। लाइक मैं गरड़िया महादेव गई, मैं रामेश्वर महादेव गई, शिवपुरी धाम। आई नो मैं थोड़ी सी महादेव की फ़ैन हूँ, बट हाँ शिवपुरी धाम। फिर मैं बूंदी भी घूमने के लिए गई, अबेड़ा महल गई, घटोटका चौक देखा, मतलब बहुत कुछ देखा। मैं वहाँ पे ऑलमोस्ट हफ्ते के लिए थी,
और मैंने इतना एंजॉय किया, मतलब इंडिया में इतनी जगहें देखने के लिए, कभी कभार लगता है कि यार पहले इंडिया तो देख लो, दुनिया बाद में छोड़ना। अब मेरा नेक्स्ट ऑन वो लिस्ट ना दो तीन जगह हैं, जैसे चित्तौड़गढ़ देखना है, मैं तारागढ़ फोर्ट ऑब्वियसली अगर मैं बूंदी गई तारागढ़ तो देखा ही, पर मुझे हाँ चित्तौड़गढ़ देखना है, मुझे उज्जैन की भस्म आरती देखनी है, मेरी व्हाइट साड़ी तैयार है, मैंने सुना है कि भस्म आरती के लिए व्हाइट साड़ी पहननी पड़ती है, तो तैयार, बिल्कुल तैयार है। और कहाँ जाना है, मैंने बहुत सारी जगहें जाना है, मतलब लिस्ट ना नेवर एंडिंग है मेरी, कि मुझे यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। और इंडिया में स्पेशली इतनी सारी जगहें हैं यार, मतलब बीचेस से लेके माउंटेन से लेके रिलीजियस प्लेसेस, मतलब क्या नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि बाहर मत जाइए, आई एम नॉट अ मेड इन इंडिया पर्सन, मेरे को बाहर घूमने में बहुत मज़ा आता है, पर मैं ये कह रही हूँ कि इंडिया में बहुत जगहें हैं घूमने के लिए, तो वो भी ज़रूर एक्सप्लोर करिए। और तो कुछ है नहीं यार, सच लाइफ में यही चल रहा था बस। तो हाँ, मेरे ख्याल से हम दिवालॉक का डे वन यही रैप करेंगे, थोड़ी सी बातों के साथ, गपशप के साथ और लाइफ अपडेटिश टाइप्स वीडियो के साथ। और मैं होप करती हूँ, मैं आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके पास कोई भी सजेशन है कि आप दिवालॉक में कैसे वीडियोस देखना चाहेंगे, कोई फेस्टिव टॉपिक्स, कोई नॉर्मल टॉपिक्स, कुछ भी, देन कमेंट करिए नीचे और मुझे बताइए, मेरे को जान के बहुत 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 खुशी होगी। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और जो वो नीचे घंटी है ना उसको भी बजा दीजिए ज़रा, तो आप नोटिफाइड रहेंगे जब मैं नेक्स्ट दिवालॉक अपलोड करूँ। मैं ट्राई करूँगी कि मैं सारे शेड्यूल कर पाऊँ 10:30 के लिए, 10:30 AM, बट फिंगर्स क्रॉस। एंड या बस इतना ही आज की वीडियो के लिए, आई विल सी यू गाइस सुपर सून, मैं बहुत जल्द आप लोगों को मिलूंगी, कल ही मिलूंगी, टिल देन टेक केयर, बाय।